मैं खड़ा हूँ इस समय, ये जो मेरे पीछे बह रही है, बह रहा है, ये नदी नहीं है साथियों, ये नजफगढ़ ड्रेन है, एक नाला है जो जहरीले पानी का है, जहरीले वेस्ट का है, जो पूरे ये नजफगढ़ ड्रेन में पीछे दो दो ड्रेन मिलती है और तब आकर के ये यहाँ मिल रही है, और यहाँ से ये पूरा जहर का नाला ये जमुना जी में मिल रहा है। सामने सिग्नेचर ब्रिज है, आप स्वयं देख लीजिए आपकी आंखों के सामने। और मैं सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज कर सकूं। आप देखिए ये वजीराबाद ब्रिज है, वो देखिए सामने वजीराबाद ब्रिज है, और उस वजीराबाद के उधर पूरा साफ पानी है जहाँ मैं कल खड़ा होकर के दिखा रहा था, और उसके ऊपर हरियाणा से पानी आ रहा है, वहाँ से पानी साफ आता है, और ये नजफगढ़ का नाला ये सीधे जमुना मैया को प्रदूषित कर देता है। 70% प्रदूषण का कारण ये नाला, और इस पे कभी आज तक अरविंद केजरीवाल जी न तो बयान दिए हैं, न यहाँ कभी देखने आए हैं। और मैं मुद्दा आज ही नहीं उठा रहा हूँ, ये मैं लगातार पिछले 5-6 सालों से कर रहा हूँ सांसद बनने के बाद, और ये हमारी लोकसभा में मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अरविंद केजरीवाल जी मीडिया की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो, दिल्ली की जनता की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो, सच को स्वीकार करो। आप यही जहरीला पानी है जिसके कारण दिल्ली के लोगों को चर्म रोग हो रहे हैं, यही जहरीला पानी है जो जमुना जी में जाने से दिल्ली के लोगों के बाल झड़ जा रहे हैं, यही जहरीले पानी का असर है दिल्ली के तट पे रहने वाले लोगों को कैंसर की शिकायतें हो रही हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, और आप इसका दोष हरियाणा को देते हैं। इधर तिमारपुर है, आगे पूरी दिल्ली बसी हुई है, नजफगढ़ ड्रेन है, वहां से आ रहे हैं, आप इसको हरियाणा का दोष दे देते हो? जिम्मेदारी का प्रदर्शन करें। और मैं ये मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बना रहा हूँ, ये मैं प्रिंट मीडिया के लिए बना रहा हूँ,